बात पूछा. आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी अक्षय हैज इज टू मेक फन ऑफ हिमसेल्फ. दैट एंड व्हेन यू आर रेडी टू डू दैट देन द राइटर हैज द कंप्लीट लिबर्टी ऑफ राइटिंग एनीथिंग. सो दैट पार्ट ऑफ इट इज फैंटास्टिक. ही कीप्स मेकिंग फन ऑफ हिमसेल्फ. एंड आई वांट टू से वन थिंग अबाउट लीजा. आई थिंक शी इज गोइंग टू बी टू वॉक अवे विद एवरीथिंग फ्रॉम द फिल्म. इज शॉकिंग हमारे इसका नाम है मगर एक्चुअल हीरा इस फिल्म का ये है. या ओके काम डाउन. लिसा लिसा यू वांट टू से समथिंग इन हिंदी. कुछ हिंदी में बोलना चाहेंगे अब हमें. यू आर गोना एंबैरस मी राइट नाउ. ही इज जस्ट चेकिंग कि डब तो नहीं हुआ है. आई डिडंट आई डब मायसेल्फ. वी डिडंट डब. वी शॉट सिंग सॉन्ग. सो टेस्ट लेना जरूरी है सर. दो लाइनें अगर बनती तो बड़ा. लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? टेस्ट लेना जरूरी है तेरा? यहाँ वो स्क्रीन टेस्ट देने बैठी सर. हिंदी चैनल है ना. तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी कर ले, क्या होगा? जरूरी है तुमने करके दिखाना कुछ ना कुछ नया. अक्षय आपने अभी रिसेंटली सीधे आपके एकदम सामने आपका कहना था कि यू नो आप जनरली अपनी फिल्मों के रिलीज के टाइम पे आप इंडिया में नहीं रहते हैं. यू आर बिट सुपरस्टिशियस अबाउट द फिल्म्स. आप कहीं बाहर चले जाते हैं छुट्टियों पे तो शॉकिंग के टाइम पे भी आप कहीं इंडिया में रहेंगे. आप कितने सुपरस्टिशियस? ये प्रश्न मुझे पहले भी किसी ने पूछा था. मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं. मैंने आज तक नहीं कहा. मैं क्यों नहीं रहूंगा? मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, मैं क्यों नहीं रहूंगा? मैंने तो आज तक ही ऐसा नहीं कहा. और मैं पिछली बार भी किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा. जैसे कि आपने कहीं पढ़ लिया होगा, आपको थोड़ा वक्त मिला होगा रात को, आप कहीं गूगल कर रहे होंगे तो वहाँ पढ़ लिया होगा आपने. वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब. अच्छा तो आप रियल लाइफ में कितने सुपरस्टिशियस हैं? मैं कोई नहीं सुपरस्टिशियस. मतलब ओ माय गॉड बनाई, अब क्या सुपरस्टिशियस बनाओ. तिग्मांशु जी, ईशान तिग्मांशु आपसे जानना चाहते थे, जब अक्षय कुमार का जो किरदार लिखा जा रहा है जिस समय इधर, जब अक्षय कुमार का किरदार लिखा जाए तो कई बार ऐसा होता है जो भी सुपरस्टार्स होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं बॉलीवुड के, उनके कई ऐसे पहलू होते हैं जो कि उनके फैंस को पता नहीं होते हैं. मे बी वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. आपने कितना ध्यान रखा कि अक्षय कुमार के नेगेटिव पहलू पर्दे पे ना दिखाई दें इस चीज का? देखिए मैं अक्षय साहब को बहुत उस तरह से पर्सनली जानता नहीं था. इस पिक्चर के पहले मैं कभी शायद मिला भी नहीं था इनसे. तो इनके बारे में जितना आप जानते हैं या अच्छा मतलब जितना कोई आम आदमी जानता होगा, जैसे उतना है, मैं भी जानता था. जब मजबूर पिक्चर थी ना, उसमें अमिताभ बच्चन एक्वेरियम खरीदने जाता है, कहते देखिए मैं मछलियों के बारे में उतना जानता हूँ जितना ये मेरे बारे में जानती. मेरा भी इनके साथ वैसा ही रिश्ता था. मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, सिर्फ जो सोचा जितना आप देखा होगा उस हिसाब से. बिकॉज इनका होना एक प्रीरिक्विजिट था, हमको मालूम था अक्षय जी हैं इस फिल्म में. हेलो एवरीवन, प्रेरणा फ्रॉम रांची हियर. स्ट्रेट मेरा सवाल आप सबसे है. फिल्म में तो आप सब आशिकाना मिजाज के शौकीन लोग बताए हैं, तो रियल लाइफ में आप सब किस चीज के शौकीन हैं? सबसे जानना चाहूंगी मैं ये. मुझे खाने का बहुत शौक है और इनके बारे में तो नीरा जी बता ही चुकी हैं. और आप बताइए. मुझे चुप रहने का बहुत शौक है. देखिए जी, परमात्मा की बनाई हुई दो, नहीं मैं सीरियसली आपकी बात का जवाब दे रहा हूं. सीरियसली, नेचर ने, एग्जिस्टेंस ने दो बहुत खूबसूरत चीजें बनाई हैं, बहुत ही बेहतरीन चीजें बनाई हैं. परमात्मा का अनुपम वरदान है. एक का नाम है म्यूजिक और दूसरे का नाम है सेक्स, समझे आप? और अगर कोई व्यक्ति उसका शौकीन नहीं हो तो दो ही कंडीशन है, या तो वो महात्मा है. महात्मा है तो यहां पर क्या कर रहा है? और अगर नहीं है तो उसका लाइसेंस कैंसिल है. तो सीधी सिंपल सी बात है, इसमें पूछना ही नहीं है. अक्षय आपसे भी जानना चाहूंगी. मुझे जी हर चीज का शौक.